आउ नाही रखंता तुम भे न रखिले भासिली सुनी हुआ चिंता। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन पटियसी परात्पर परमेश्वर जगताधार। आहा कि सुंदर रूप, षोडश बाहु नृसिंहंकर ये रूप। डम 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 दारु दंडम रडपि रड रडो ब्रह्म दंडम प्रदंडम। आपण माने श्रवण करुथले ये साहिजातर सीधा प्रसारण परम श्रद्धेय परम पूजनीय परमादरणीय पंडित श्री भजराम सत्यथी महाभावंकर मुखारविंद चमत्कार व्याख्या। ये अति सुंदर भाव किपरि भाव व्याख्या एवं से व्याख्यारे ये कान दुईटे एपरी लाखी जाइए जो जीवाक इच्छा हे ना। ये पंडित महाशयर मुखर ये सुंदर भाव में साही जात व्याख्या बर्तमान आम देखुचे। षोड़श बाहु नृसिंहर ये मेढ़ एवं से मेढ़ मेढ़ को बिंचवापी पचरु रही सुंदर भाव भगवान नृसिंह सी तर नृत्य करुंट हस्त मुद्रा को सी सुचारू रूप से प्रदर्शन करुंट। ये साही जात हूँ स्वतंत्र पर्व नृसिंह को देखु षोह हाथ एवं मस्तक रही सर्प अनंत शेष नाग भूखंडम बारणांडम परबर विरटम डंप डंपोर डमटम डम 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 डंप डंपोर डमटम डिम 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 डिडिबम दहमपि दहमेहि झंप झंपैश्च झंपैहि तुल्यास्तुल्यास्तुतुल्या धुम धुम धुमकैहि कुंकुमांकैहि कुमांकैहि एतत्ते पूर्णयुक्त महरह करह पातु माम नारसिंहः। साही जातर दृश्य मझिरे मझिरे दर्शन करवा सहित पतित पावन नेत पतित पावन बाना अति अपूर्व अद्भुत दर्शन आम माने करुचे अवलोकन करुचे जय जगन्नाथ टीवी रे सीधा प्रसारण मध्यम रे। संसार सोइथिबा समय रे देखंतु वर्तमान समस्त सोइछंती किंतु ये पुरी आज सोइनी कि पुरी सोइबो नाही काही कि पुरी रे काहा को निद हबो नाही कारण ये पुरीर जात साही जात ये मऊजर जात ये आनंदर जात ये उल्लासर जात ये भाईचारार जात ये प्रेमर जात ये परस्पर भीतर प्रीति आदान प्रदानर जात ये जगन्नाथ महाप्रभु को भल पाइबार जात हूँ साही जात। पुरी रे गोटे ढेग अच्छी अरे मरीगले पानी पतरे पाइबु मऊज पाइबु काहू अरे मऊज कौठ पाइबु तेणु मऊज पुरी लोक भारी मऊजिया लोक। पुरी लोक संगीत को भल पाती कला को भल पाती संस्कृति को भल पाती आउ महाप्रभु मध्य सुंदर भाव रे कला संस्कृति को अत्यंत भाव रे भल पाती महाप्रभुंकर ये स्वतंत्र यात्रा साही जातर यात्रा आम मान अवलोकन करुचे। जय जगन्नाथ टीवी रे चक्रराजंकर दर्शन ये नील आकाश रे गगन आकाश चक्रराज एवं ब्रह्मध्वजा उड़ुछंती पतित पावन बाना एवं आज कौन साही जातर नीति कि आज हूँ यज्ञ रक्षा नीति जाइले भगवान ये यज्ञ रक्षा नीति अनुष्ठित करने जगन्नाथ बल्लभ मठ से सुंदर भाव आपण मैंने दर्शन करुले अवलोकन करुले यज्ञ रक्षा नीति कौन ना जिते बार कार अत्याचार बढ़ीगला से कौन कले ना यज्ञ रक्षा निम्ते राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र आणवाक जाते विश्वामित्र यज्ञ रक्षा करने आज यज्ञ रक्षा करने आश्रम को धरिकी आसी आश्रम को धरिकी आसिले विश्वामित्र यज्ञ रक्षा कारण ये यज्ञ जदि रक्षा न हो तेब ये सृष्टि रहा कारण यज्ञ देवता मानू आहुति दिया हुए देवता मान पृष्ठ हमती से यज्ञ एवं सृष्टि सुरक्षित हुए देवता मान पृष्ठ हेले ये सृष्टि सुरक्षित हुए ये सृष्टि ठीक से चले आतजात हुए से यज्ञ विधान एवं जेतेबेले आश्रम को आसी सेतेबेले बसी विश्वामित्रंग सम्मुखरे प्रभु आउ विश्वामित्र जेतेबेले जानी जाइछंती प्रभु को तब ऋषि निज नाथ जिय चिन्ह विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्हि। ऋषि विश्वामित्र प्रकृत प्रभुंकर ये प्रकृत शुणी स्वरूप को जेतेबेले जानीगले आउ प्रभु को विद्यार भंडार बोली जानी मध्य ये लीलार मर्यादा दृष्टि दुई भाई को एपरी विद्या देले जद्वारा आउ क्षुधा तृषा लगे ना मानने भोक शोष हे ना शरीर में अतुलित बल
एवं तेज प्रकाश पाइब आउ विश्वामित्र सहित प्रभु जत यज्ञ आज कहते ये समस्त अस्त्र शस्त्र देकर से प्रभु श्रीराम को निज आश्रम को नहीं गले किए विश्वामित्र नहीं गले आज यज्ञ रक्षा नीति यज्ञ रक्षा किपर होता ना विश्वामित्र को नहीं गले कारण ताहंकु परम हितैषी जानी ये भक्तिपूर्वक कंद मूल फल भोजन कराइले प्रभात हबार जो सका ये यज्ञ रक्षार प्रसंग आपण मैंने श्रवण करते सका रघुनाथ सरकार भगवान राम कहते विश्वामित्र मुनि को आपण जाकि निर्भय यज्ञ करतु आउ ये यज्ञ को मु रक्षा करुच्छे आउ यहाँ सुनीदेकि सेठार समस्त मुनि माने होम करने को लगे यज्ञ आहुति प्रदान कले स्वाहा स्वधा बसटकार ये शब्द उच्चारण होला आउ निजे श्रीराम यज्ञ रक्षा निम्ते निजुक्त रहिले आउ जेतेबेले यज्ञ रे मंत्रपाठ चली चली मंत्रपाठ शुणा को पाई मुनि मानंकर शत्रु क्रोधा राक्षस मारीच निज सहायत मान निज सहायत मानंकु धरी आसिला आउ श्रीराम ताकु गोटिए फलक अर्थात मुन मुन नथिबा सर मारिदेले एवं से सराघात रे से जाइकिरी सहे योजन समुद्रर आरपटे पड़ा तेणु भगवानंकर शक्ति केते देखंतु सर्वशक्तिमान होती प्रभु प्रभुंकर ये पथित पावन बानार दिव्य दर्शन अभिमान करुचे नील आकाशरु फरफर ही ये गगन रे बाना उड़ुची ये बाना को देखिदेले हृदय आंदोलित हो जाऊँगी हृदय टांकुरी जाऊँगी आहा केते ऊर्ध्वरे देउळर शीर्ष देश रे मो आम प्रभुंकर बड़ देउळ आम प्रभुंकर नीलचक्र आम प्रभुंकर पतित पावन बाना नील आकाश रे तारा माने उदय होइछंती एवं चंद्रंकर ये समय रात्रि समय निशाकर निशार्ध समय रे नीलाचल नाथंकर नीलाद्रीनाथंकर नीलकंदर रे बसीथिबा प्रभुंकर ये नील पर्वत उपरे नील शिखर रे महाप्रभुंकर ये जो दिव्य प्रासाद आहा देख ये से ये होती सप्तशिरा सप्तशिरा किए ना रावण भ्रम सृष्टि करने रावण युद्ध विजय लाभ करने युद्ध भ्रम सृष्टि करने विभिन्न राक्षस मानू सब तार रूप भ्रमित करने पूरा अद्भुत रूप भगवान यज्ञ रक्षा करुंटे भगवान तापर कौन कले ना सुबाहु राक्षस को अग्निबाण मारि मारीच को गोटे मान मारी प्रभु मारीच जाहे जोजन दूर से पड़ा सप्तशिरा ये साहिजात देखुं मेढ़ मान ये मेढ़ मान चतुपार्श्वर जो जनसमुद्र जो साहिजात मानकर बाणी ठाणी पतिहारा ये जहाणी ये आनंद आउ कौटी देखा आपण को मिल कहले आखि कि नाली करी बेकर मल्ली फुल माल पकई कारण कहगला पुष्पेशु मल्ली नगरेशु दिल्ली फुल भितर हूँ मल्ली एवं नगर भितर हूँ दिल्ली एवं मल्ली जो मल्लीर सुगंध स्वतंत्र सुगंध से मल्ली फुल माल को बेकर पकई सांग भांग पंगत भव्य पटुआर रे ये दिव्य पटुआर रे साहिजातर ये अपूर्व दृश्य बाजा बाजुची आज पाद उठुची पड़ुची मेढ़ जी बंधी सीए तो नाचुंट आउ तांक सहित तांकु हे 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 इपरी ध्वनि करी तांकु उत्साहित करुछन साहिजातर ध्वनि आपण शुणीदेवे साहिजातर केवल ध्वनि टिके आपण शुणीदेवे आपणकर हृदय रोम टांकुरी उठिबो आपणकु आनंद लागिबो जे ये पुरीर ये जो कला पुरीर रोम रोम रे ये कला संस्कृति ये सन्निहित होकर अच्छा तो निश्चित भाव में साहिजातर ये दिव्य दृश्य को आम मैंने दर्शन करुचे अवलोकन करुचे ये सप्त शिरा मेढ़र दृश्य तीन तीन छ मस्तक रही सप्त शिर सतट शिर रही सप्तशिरा कहुए सप्तशिरा स्वतंत्र प्रत्येक मेढ़ मान वाक्य रही पंचशिर सप्तशिर एम सब वाक्य रही रे रे बानर हीन मनज राक्षस ब्रजबाहुक किमकर्तुत तव विलित तनु लंकेश्वर राक्षस शक्ति वज्र प्रहार प्रहसित प्रहसितं युद्धे निपुण बाहुं गतिर्तदीन चरवित सुरवाला सेनाधि सप्तस्वामी हा 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 विचित्र से तंकर ठाणी तंकर बाणी आपण पाखरे छिड़ा हेथिबे माने आपणकर रोम टांकुरु उठिबो ये साहिजातर जो
अनन्य दृश्य को आपण मैंने देखुं चतुपार्श्वर किए विंची दौर किए टे प्रपाणक पणा धरिक मझेरे मझेरे बढ़ई दौंट कारण से मेढ़ को सी बांधी अनेक समय दीर्घ समय से मेढ़ बांधिक प्राय पहांतिया पर्यंत रहा पड़ो एवं कौटी टिके डोर खसी जाओमाल खसी जा मेढ़ ढिला सजाड़ा पश्चात भाग जगा घर पक्षर स्वतंत्र व्यक्ति मैंने रही था एवं देखु से जो नृत्य करुछंती भावर सहित पाखे जड़े यदि किए देख सी भयभीत हो मझेरे मझेरे किए पुष्पमाल्य अर्पण करुष्पमाला प्रदान करतंत्र भाव बाद्य बाजुची से नृत्य करुंट आहा पतित पावन बाना ये बाना को देखीदे हृदय शीतलता व्याप्त होदय को आनंद प्राप्त होन को शीतलता प्राप्त होे के मेढ़ ये होती नृसिंह मेढ़ जो भगवान नृसिंह प्रहलाद को रक्षा करने निमंते भक्त देखाइला स्तंभ को तंभु हेलोदित भृत्यर भृत्य परिभृत्य बने दिन अच्युत सुंदर भाव में आज नीति आपण मैंने दर्शन करज्ञ रक्षा नीति निशाण शोभा ये दृश्य साहिजातर दृश्य हरचंडी साही माटीमंडप साही ये दुईटी साही यज्ञ रक्षा नीति हरचंडी साही निशाण शोभा माटीमंडप साही ये स्वतंत्र भाव ये दृश्य को आमे मैंने दर्शन करुचे अवलोकन करुचे एवं ये दृश्य को उत्तोलन करने देखु प्रत्येक भाई मान हाथ में साही जातुआ मान हाथ में जगह आखेड़ पहली मान पान हाथ में आज मोबाइल रही मोबाइल से फटोचित्र को उत्तोलन करमृति हिसाब से रखापी देखू जदि साही जात जी साही जात देखनी सी कौ जात देखनी साही जातर जो मौज आगतर किसी अच्छी साही जात देखीदे आपण पेट पुरीज साही जात देखा आसी भोक हेनी शोष हेनी मलिफुल मलखंड बेकरे पड़ी आखि लाल होही जात से जो शब्द रे नाचरे जो आनंद आउर से आनंद ना आहा भगवान नृसिंह से दिव्य रूप को देखु जो मेढ़ आम मानू देखा से मेढ़ देखीदे सतेजेपरी मन हो आज स्तंभ भितर स्तंभ को फाड़क स्तंभ को फटेक भगवान सत्य प्रकट हो जाइना तो तेणु यही दृश्य को देखीदे मन भितर भ्रम सृष्टि करुच्ची ये दृश्य एवं भगवान नृसिंहर ये जो घोर भयंकर रूप राक्षस मानी भक्त मानी साधु सन्थ मानी परम आनंद वर्धक रूप एवं शिशु प्रहलाद सज्जितानंदमय रूप आज से दिव्य भगवान षोड़शबाहु नृसिंहर ये रूप को देखुचे कारण षोड़शबाहु नृसिंह ये भगवान नृसिंहर ये एक रूप ये एक स्वरूप नृसिंहर षोल हाथ भगवान नृसिंहर ये किंभूत किमाकार शरीर भगवान नृसिंह परम दयालु अटंती परम कृपालु अटंती भगवान नृसिंह ये सुंदर भाव आम नृसिंह मेढ़ किपर भाव से नृत्य करुंक नृत्यर शैली को देखु एवं भगवान नृसिंहर स्वतंत्र बाद्य रही स्वतंत्र बाद्य भितर ये स्वतंत्र ये देखु ये दृश्य आज ये दृश्य को देखापी केड़ लगिक रही आज ये दृश्य समग्र आहा अतीत पावन बाना फर फर हो आकाश में उड़ूँ साही जातर ये समय समग्र संसार सोला बेले पूरी किंतु चाह थाए कारण ये पूरीर जात सात साही एवं प्रत्येक साहीर छोटी लेखाए कंदी सात सौ बयालीस कंदी सात सौ बयालीस कंदी सात साही बयालीस कंदीर ये पर्व ये यात्रा तेना अपूर्व ये यात्रा दिव्य ये यात्रा आनंद वर्धक ये यात्रा एवं यही आनंद यही जात को देखापी ये भिड़ लग रही देखु समस्त बेकर मलिफुल पड़ी आखि देखुची मेढ़ आखि देखुची साही जातर दृश्य को नाक शुंघुच मलिफुलर बासना को एवं मन भितर अमाप अपरिकल्पित असीम आनंदर समाहार ये हूँ साही जात देखु जदि जातरा साही जात देख तेणु ये आनंदर जात्रा पूर्व भाव आम दर्शन करुचे आरे हटी पिछा आगा रटिला जे नागा सेठी नुहे माया बाघा सबास सबास बोलुणु किए से कले बादी साया घोघा ये वीर देशटी घुसु जंघे घंटी चाहे तेरे तराटी अरे खंडा ढाल छुरी बंधुक कराटी
छालो कलिंगी बाहुटी नली शबद को नकले नागा को निंदा ओली तोली गांज अरे बारुद पुराई घुराई घुराई भिड़े कलाक अबाज नागा देहरे राम रज पाटका छेणी उतरियो ये मुहरे निश दाढ़ी कपाल सिंदूर कलिगड़े कठा और रुद्राक्ष मुंडरे हांडिया छाती अंटा जाए बाघ छालो ये बाहु मूलरे काखरे एरा पक्षी परे तैयारी ये कलिंगी दुई हाथ में पाट लुगार ओलमाल ओहमाल कांधरे बाघ छालर हुदा बा परतारा हाथर मणिबंधरे बाघ छालर पटी बा हता इपरि भाव आप देखिए ये साहिजातरे नागा नृसिंह ये दृश्य को आम मान अवलोकन करुचे दर्शन करुचे यही साहिजात को आप देखिदेवे मन प्रफुल्ल हो जाहा ये साहिजात हूँ पुरीर महाप्रभुंकर ये क्षेत्रर एक स्वतंत्र यात्रा जो यात्रा को समग्र जगत देखापी व्याकुल थाए एवं साहिजातर स्वतंत्रता कौन जानती ये साहिजातर स्वतंत्रता हूँ ये एपरी एक यात्रा छोट पिला वृद्ध जाए आबाल वृद्ध वनिता यात्रा समस्ते मेढ़ को देखापी सेवक विशेषकर सेवक संप्रदाय मानक से महाप्रभुंकर सेवक संप्रदाय घर मानक से मानकर तो सेवक मानक घरे पुरी ही विवाह करेंगे से माने तांकरी तांकरी घरे सेवक सेवक महाप्रभु सेवक सेवक मानक भितर ही विवाह तेणु जी जो थे किए आई घर को पलई था किए मामू घर को पलई था मटिमंडप साई हरचंडी साई जी जो रही था सी पलई आसी था आई घर को कार किए बाप घर को पलई आसी था यहपर भाव ये आनंदर पर्व ये भाईचारार पर्व स्नेह श्रद्धार पर्व एवं वीरत्व प्रदर्शनर पर्व हनुमान रूप आप देखुले विराटकाय हनुमान मूर्ति से भव्य पटुआर भितर मध्य स्थान पाई पतित पावन बाना रक्तवर्णर हलदी रंगर बाना फरफर ही आकाशे उड़ुंट एवं शीर्ष देश में अक्षय बाना जहाँ को ब्रह्म ध्वजावली कह जाए सी मध्य ब्रह्म दंडरे बंधाई सी मध्य आकाश उड़ुं एवं ये एपरी एक बाना ये बाना उड़ू था केत दक्षिण रु पवन आसी था केत उत्तर रु पवन आसी था जहाँ भी होमती हो असतर्क दक्षिण रु दलक हलके मंद मंद बल पवन बही जा पतित पावन बाना फरफर हो कि उड़ुं साहिजातर रात्रि ये रात्रि अपूर्व भाव आम ये साहिजातर दृश्य को दर्शन करुचे अवलोकन करुचे जो साही जात होची ये साहिर जात तेणु ये साही जात रे देखिबे स्वतंत्र भाव रे केही सोई न थांति ये राति अनिद्रा हेबे मल्ली फूल माळा पड़ियो बेकरे राति अनिद्रा रो यात्रा एवं पुरी होची एपरी एक स्थान एठी महाप्रभु होती खाऊ खुआ महाप्रभुंकर सेवक माने पुरीर बासुंधा माने महाप्रभु परी से माने चिकन खाइबे तेणु सांग भांग पंगत ये तीनटीर एठी आपण को समाहार देखा मिल पुरी रे एवं महाप्रभु कौन ना महाप्रभु बड़ खिया हो प्रभु महाप्रभु जहाँ खाती संसार रे आउ किए खाईपारि तेणु महाप्रभु खाती खुआती से साहिजात स्वतंत्र भाव आप देखिए राति निद्रा होकर मेढ़ नाचर दृश्य को दर्शन स्वतंत्र भाव एवं करती निद्रा होवार आनंद यहीपर भाव साहिजात आनंदर जात एवं साही जात को आप देखिए आज हरचंडी साहि जात जी कि हरचंडी साहि आप देखिपर हरचंडी साहि स्वतंत्र भाव हरचंडी हरचंडी मध्य इष्ट देवी होती हरचंडी बनदुर्गा मणिकर्णिका साहि कारण ये हरचंडी साहि हरचंडी साहि छी मणिकर्णिका साहि मणिकर्णिकार मणिकर्णिका साहि बनदुर्गा अच्छा चामुंडा अच्छा चामेड़ा अच्छा एवं आमर बारवाटी अच्छा बारवाटी होती एपरी प्रत्यक्ष देवी जे बोझिया मुंडरू बोझ को ओल्ल दिंती माँ भगवती कृपा मिली
भारी छोट पिला भल पाती बारवाटी सम्मुखें बारवाटी होती एपरी ठाकुराणी सम्मुखें छोट पा कई मारती ना कारण देवी भारी छोट पा भल पाती आोझिया मुंडू बोझ ओल्ल दिखती ठाकुराणी थे गोटे बोझियाटे बोझ नहीं जाती वृद्ध बोझिया हटात तर शरीर जिते बड़े जंत्रणा हो आलो बोल बोली डाकि आलो माँ आलो कारण बोझर भार को सी सही पारिना ठाकुराणी कला पाट शाढ़ी पिंधि नाली धड़ी कला नाली पाट शाढ़ी पिंधिकी भगवती माँ बारवाटी कृपामयी आसिक बोझ ओल्ल मुंडर माँ का शरीर पीत बर्णा आोझिया अनुभव करुंट जे कर्पूर चुआ अगुरु कस्तूरी झुणार महमह बासना हो स्त्रीलोक जनक किए हटात से जापारिना बोझ ओल्ल सी जो शरीर को सड़की आहा कुनी कुनी पिलाटी देखते किपर भाव हस्तरे रही अमृत कलश हस्तरे रही कलशटीए पश्चात भागरे एक मेढ़ रही जहाँकि पुष्पर सुसज्जित हो एवं पुष्पर मुकुट पुष्पर मेढ़ पुष्पर माल पुष्पर कुंडल एवं पदर मध्य देखिबे सुंदर भाव रही नूपुर कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि ये ध्वनि द्वारा ताल रे नृत्य करिवे एवं देखिबे छोट कुनी छुआ से मानुंक मध्य कारण से मान होचंती उदय उत्वा प्रतिभा से मानंकर शिखिवार समय से मान होचंती भविष्य से मानुंक मध्य ये शाही जातर से मान होचंती मध्य स्वतंत्र भाव से मानंकर नृत्य रही था कारण शिशुटीए जिते बड़े जेकोसी कलारे कला से प्रदर्शन करुता है उत्साहित कले मन भितर कला प्रति आगे आग्रह बढ़ी था ये स्वतंत्र भाव छोट पा सामिल कर विभिन्न मेढ़ आपण को देखा मिल ये विभिन्न प्रकार देखिपारे साही जातरे कौन ना विभिन्न जगह आखेड़ा मानक विभिन्न प्रकार मेढ़ रावण कुम आमर विभीषण नागा परशुराम से मध्य देख बाम हस्तरे रही कलश एवं बाम हस्तरे कलश रही किप भाव श्रृंगार हो साही मुरबी मैंने सब चौकी बसीचंद्र भाव साही जातर दृश्य पुष्प रजनीगंधा गोलाप जहाँ को पाटली पुष्प बोली कह जाए दक्षिण हस्तर मध्य खड़गटीए धरी देवकन्या स्वतंत्र भाव खड़ग रही बाम हस्तर अमृत कलश रही पश्चात भाग में मेढ़टी किपर भाव सजा जा मेढ़टी को देखीदे मन आनंद स्वतंत्र भाव शिवाने नृत्य तंगर मध्य आरंभ कर साही जातर जो दृश्य साही जातर दृश्य देखिए आप आखिरे निद आसवना ये जगह आखेड़ा कौन पर प्रतिष्ठा होती ना शरीर रक्षापाई कारण शरीर माध्यम खलुधर्म साधनम शरीर रक्षण शरीर रक्षण माध्यम संगीतो ये युक्ततः तृतीयम कारु कर्मं च चतुर्थ क्षेत्र रक्षणम एवं चतुर्विधकम निर्णयांते यथा विधि कुर्ज्यात दिगानुपातेन काट श्रेष्ठा चतुष्टयम् शरीर रक्षा बा शरीर चर्या संगीत साधना कला भास्कर्य प्रति रुचि एवं श्रीक्षेत्रर सुरक्षा पाई ये चारोटी जाक कर्मपंथार इंतुरीशाल भाव ये जगह आखेड़ा को ग्रहण कर जागा आखेड़ा छुटिया कथा नुह ये जागा आखेड़ा जिते बड़े ये पूरी को शत्रु माने आक्रमण करुले से ये जागा आखेड़ा जागा आखेड़ार पहलवान माने जागा आखेड़ार मुरबी माने से मानकर मुख्य भूमिका थिला पाटजोशी महापात्र नेतृत्व में ये श्रीक्षेत्र को रक्षा करिवार कारण श्रीमंदिर छतीसानी जोग महानायक पाटजोशी महापात्र पूर्वर जहाँ
ସତ୍ୟଲିପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପାର୍ଯ୍ୟସୀ ମହାପାତ୍ର କି ସାତ ସାହି ଜାଗା ଆଖେଡ଼ା ସବୁର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ତାଙ୍କରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ା ଶରୀର ରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମ ସଙ୍ଗୀତ ୟା ଯୁକ୍ତତଃ ତୃତୀୟଙ୍କାରୁ କରମଂ ଚ ଚତୁର୍ଥଂ କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷଣମ୍। ଶରୀର ରକ୍ଷା, ଶରୀର ଚର୍ଯ୍ୟା, ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା, କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା, ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା, ଏଇ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାକୁ ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳ କୁହାଯାଏ ଏଇସବୁ କଥାର। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ କୁସ୍ତି କସରାତି ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବଳିଷ୍ଠ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ରସଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ପରିବେଷଣ, କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଇଏ ରୁଚିଶୀଳ ହେବା ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମରକଳାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଓ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସଜାଗ ରହିବା ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ରହିଛି ଜାଗା ଆଖେଡ଼ା। ଏବଂ ଇଏ ସାହିଜାତ କେବେ ସୃଷ୍ଟି, ସାହିଜାତରେ ଦେଖିବେ ପରଶୁରାମ ମେଢ଼, ରାବଣ ମେଢ଼, ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼, ପରଶୁରାମ, ନବଶିରା, ଦେବୀ ମେଢ଼, ଅନେକ ମେଢ଼ ବାହାରନ୍ତି। ଏବଂ ସାହିଜାତର ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ, କେବେ ଇତିହାସ କ'ଣ ନା ଦେଖିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କଳା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଆଦି ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିବେ ସଙ୍ଗୀତ, ଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର କିଳିକିଳା କେଟେକେଟା ଶବ୍ଦକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗୁଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପବାଳକମାନଙ୍କର କୌତୂହଳ ପ୍ରିୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କୌତୁକ ବଚନ ଶୁଣିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ଆଉ ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ପରମ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକରି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଶ୍ରିୟା ହରିନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦେ, ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଦଶାବତାର କେତେ କ'ଣ ଗାନ କରନ୍ତି, ସେବକମାନେ କୁହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଗୋବିନ୍ଦ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଠିଯାଅ ପ୍ରଭୁ ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ। ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କମଳାକାନ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମ ମଙ୍ଗଳମ ଗୁରୁ, ହେ କମଳାକାନ୍ତ ଭଗବାନ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ, ଉଠ 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 ପ୍ରଭୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆପଣ ସାନ୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ କେଉଁ ମେଢ଼, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ମେଢ଼ କନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ସେ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ନା ମୈରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବା, ମୈହରାବଣ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କର ଅବତାର ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରାବତାର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର। ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହନୁମାନ ଏହିପରି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ହନୁମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଏ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ରାମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ହନୁମାନଙ୍କର ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଯିବା, ହନୁମାନଙ୍କ ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ସହଜ, କାରଣ ତୁମରି ଭଜନ ରାମକୁ ପାଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମକେ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ରାଉ ଅନ୍ତକାଳ ରଘୁବରପୁର ଯାଇ ଯାହା ଜନ୍ମ ହରି ଭକ୍ତ କହାଇ। ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ରାମାନନ୍ଦ ଚିତାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ମୁଖ ପାଞ୍ଚ ମସ୍ତକ, କାରଣ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ପାଞ୍ଚ ମୁଖ
मध्य देश रे गोटे मुख हनुमान जी को बाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व दुईटी लेखाए मुंड मस्तक रही स्वतंत्र हनुमान हूँ प्रभु राम अवतार विशेष लीला निशान शोभायात्रा आम देखुचे महाप्रभु जाते जगन्नाथ बल्लभ मठ को पालिंगी विजय होते ये होंगे पंचमुखी हनुमान कारण पंचमुखी हनुमान श्री आंजनेय प्रसन्नांजनेय प्रभादिव्यकायं प्रकृति प्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे बालगात्रं भजे हम पवित्रं भजे सूर्यमित्रं भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मतेजं वटं चून प्रभां तंबुषायं त्रमूनं निनाम संकीर्तन तेजसी तेनु हनुमान जी महाराज हनुमानंकर जी कवच को पाठ कला चालीसा पाठ कला भक्त मान देख साही जातर जातुआ मान जगा खेड़ार पहलवान मान मुरबी मान माने तंको पाखा पाखी रही एवं हनुमानंकर जो मुदुगर रही दुईटी से दुईटी मुदुगर एवं विभिन्न स्थान रे जोठी तंकर जो अस्त्र शस्त्र एवं सामग्री आवश्यक पड़िबो से तंको पाखरे रही जगिकिरी से जहाँ मागिबे तंको जाचिकिरी प्रदान करिबे केतेबेले मुदुगर को धरिकिरी नृत्य करिबे केतेबेले केवल खाली हाथ रे नृत्य करिबे इपरि भाव रे साहिजात होउची कारण प्रभुंकर रूप को से धारण करिसंती माने जे देखिबो तंकर भाव आसीबो मु प्रभु को देखुची एवं कुहा जाए प्रभुंकर आवेश मध्य पळई आसे बेले बेले देह को पळई आसे आउ सेई परि भाव रे माला रे सुसज्जित ई आउ एक रूप ये केउ रूप ना आपण देखंतु यांकर केतोटी मस्तक रहिची दसटी मस्तक ये किए से आगपटु देखला आम जापर ये हूँ किए कारण रावण अनेक जगे लंका एवं रामायण अनेक चरित्र एवं से चरित्र मानकर भूमिकार प्रत्येक चरित्र मानकर भूमिकार गुरुत्व रही लाल रंगर बाना बाना मध्य देश ध्वजार मध्य देश पीत रंगर चंद्रबिंदुर चिह्न को आम रात्रि समय देखुचे मन अशांत रहुचि तो अतीत पावन बाना को चाहिए रही मंदिर को आसबे एकांत जगह टे खोजे एकांत जगार ढड़ा होकरी अतीत पावन बाना को चाहिए रही पांच मिनिट दस मिनिट चाहिए रही तो देखिए मन एत स्थिर हो मन को ये आनंद लगे काली मेढ़ कम 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 काल माला विकट भगवती काली घोर भयंकर रूप देख राक्षस मान बध करने माँ को ये धरी वाम हस्त नरमुंड एवं खंडा धरी खरपर धारण कर खंडा खरपर धारिणी सर्वशत्रु विनाशिनी मा घेन मोर निवेदन पद्म पादे कर त्राही दया कर दया मई भगवती दया करो कालींर रूप एमती देखुंट किंतु काली करुणामयी किए अच्छी काली कृपामयी किए अच्छी किए कहे काली खाई दिं किए कहे काली शोषी दिंती किए के भ्रांत धारणा अच्छी किंतु काली जहाँ पर करुणा ढाली दिंती ना सी विजय हो जाए कवि सूर्य बलदेव रथ जेजेकर इच्छा जिते बड़े काली की क्षीर अर्पण कर खाइले खाओ ठाकुराणी जेजे हो जर पूजा मंत्र जानी मु जेजे जर खाइले खाओ ठाकुराणी न खाइले मर कवि सूर्य बलदेव रथंकर ये बालक अवस्थार समय शिशु अवस्थार समय भगवती काली मूर्ति की जिते बड़े जेजे ज्वर होजा करने पठे जेजे जा मंत्र जाणिना पूजा मंत्र जानी माँ जेजे ज्वर खाइले खाओ ठाकुराणी न खाइले मर यहपर भाव देखी भगवती सिंहासन ओह्ल आसने पिंगण में जो क्षीर भोग करवाक नहीं क्षीर को सी पान कले भगवती काली देखु थाए छुटिया पिलाटी माँ काली कृपा कविपणे रवि तले
आउ किए कवि अच्छी सूर्य तले कवि सूर्य बलदेव रथ सी होती कवि मान सूर्य ये उपाधि प्राप्त सीए माँ भगवती काली कृपा एवं ये क्यों रूप होती सहस्रार्थी एवं स्वतंत्र भाव आम दश अवतार रूप आम देखुचे देख दश अवतार कारण ये साही जात रे ये दश अवतार रूप को देखो मीन कश्यप वराह नृसिंह वामन परशुराम हलधर बुद्ध कलित केशव धृत दश विध रूप जय जगदीश हरे ये स्वतंत्र भाव नृत्य को देख धनु धरी धनु सहित से मध्य धरी कौन पार्षद परश भक्त मान साई जातरी साई जातुआ मान जो मानक निद निद लगे ना कारण साही गली कंदी में बाद्य बाजा ये ध्वनि चली थी ये निद आसब ना ये साही जात निद आसवर जात्रा निद न आसवर का ये स्वतंत्र भाव रे ये सब यात्रा होता है आपण मैंने देखुले गत काली कालिका देवी साई राम जन्म प्रस्ताव आउ हरचंडी साई नाक कान नाक कान किए ना सुबाहु मारिच ये दश अवतार मेढ़र दृश्य आपण मैंने देखुले दश अवतार किपर भाव नृत्य जारी रखिं पाद पड़ुची उठुची स्वतंत्र भाव आज आज मारिच बाहु बाहु कौन मारिच सुबाहु सुबाहु मारिच ये या कहुए नाक कान ये नाच भितरे हे हेर ध्वनि चली थी हरिवल रे ये ध्वनि पड़ीज मन आनंद हो साही जातरे जी शुणी सी जानी तेना जा आज महाप्रभुंर यज्ञरक्षा नीति तेणु ये यज्ञरक्षा नीति एक स्वतंत्र नीति विश्वामित्र यज्ञ को रक्षा करते महाप्रभु ये साही जातर कौन कथा ना महाप्रभुंर ये साही जात केबे ना ना राम कथा प्रस्ताव मान गजपति पुरुषोत्तम देवंकर समय रे चौदहश सतसठी रु चौदहश सतानबे मध्य उद्भव होता कथाटी केतक ऐतिहासिक मान कहती प्रसंगटी संपर्क गोटे मात्र उपलब्ध आधार होची जे गगनेन्द्र दासों संपादन ये मादला पंजीर सेवक अभियान एवं सेवा विवरण अध्याय विभिन्न सेवकों दायित्व संबंधी ये साही जातर जो कथा देखते छत्री रही छत्री छत्री किए आसवे किए आस्य शोभा भर आज साही भक्त मान भिड़े परिपूर्ण आज साही भक्त मान भिड़ लगी घंट घंटा ध्वनि रखी घंट बाजु घंट मध्य स्वतंत्र गोटे ताल गोटे लयरे बाजुच्छी एकत्र बाजुवर अधिक तीव्र ध्वनि आहा भगवान सिंहर पश्चात भाग दीतरंगर वस्त्र ये रक्तवर्णर चंद्र बिंदु ये दृश्य समस्त दृश्य को ज्योति को परास्त करती आहा भगवती ठाकुराणी नृत्य मान मुखर देखते मान मेघ रही वस्त्र को मेढ़ को बंधे माँ नृत्य करवा सहज कथा से देखिए निष्ठार रहा ये मेढ़ को बंधे साही जातर संपर्क श्रीमंदिर सहित निश्चित भाव सात साईर मध्य श्रीमंदिर सहित संपर्क भाव में साही जातर ये द्वितीय दिन दृश्य आम दर्शन करवलोकन कर
ଜାତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଧର୍ମମୂଳକ ନାଟ୍ୟ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ସାହିଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭିତ୍ତିକ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୁରୀର ସାହିଯାତ୍ରା ଇଏ ଆପଣାର ଗରିମାମୟ ଐତିହ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ବେଶ ବିନ୍ୟାସ ଚିତ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲକ ବାଦ୍ୟ ବିଚିତ୍ରା ବୀରତ୍ୱବ୍ୟଞ୍ଜକ ଉଦ୍ଦାମ ନୃତ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସାହିଜାତ ହେଉଛି ବିଖ୍ୟାତ ଜଗବିଖ୍ୟାତ ସାହିଜାତ। ତେଣୁ ସାହିଜାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଭିନୟ କରାଯାଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ସାହିଜାତ। ଏବଂ ସାହିଜାତରେ ରାବଣକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସାହିଜାତ। ସାହିଜାତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ସାହିଜାତରେ ରାବଣର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ପୁରୀ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଏଠି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ସାହିଜାତ ରାବଣ ବଧ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ଯେତିକି ମାଳ ପଡ଼େ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ସେତିକି ମାଳ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସାହିଜାତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଏଠି ଗଣାଯାଏ। ରାବଣ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, କାରଣ ସାହିଜାତରେ ସାଧାରଣତଃ ରାବଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଥା ରାବଣ ନବଶିରା ସପ୍ତଶିରା ପଞ୍ଚଶିରା ନାଗା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମେଢ଼ ପରଶୁରାମ ନାଗା ଇତ୍ୟାଦି ଚରିତ୍ରମାନ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପରେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ସଠରା ଚରିତ୍ର ଏ ସାହିଜାତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସଠରା କାରଣ ଯୁବକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଏ ଶାରୀରିକ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ସାହିର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବା ସାହିଜାତକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଆହା ପଚିତ ପାବନ ବାନାର ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ବାନାକୁ ଦେଖିଦେଇ ଭକ୍ତ ଆଜି ଅଭୟ ପାଇ ଅଭୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେହି ପତିତ ପାବନ ବାନାର ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ କରୁଛେ। ଏ ଯେତେ ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିକି ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ସାହିଜାତ ସାହିର ଜାତ ସାହିଜାତ ଯେଉଁ ଜାତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ସାହିମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାର ପହିଲିବାନ ମାନେ ଆଖିରେ ନିଦ ରହିବ ନାହିଁ। ମଲ୍ଲିଫୁଲ ମାଳ ଟିକେ ପକେଇ ପୁଷ୍ପେଶୁ ମଲ୍ଲି ନଗରେଶୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଫୁଲ ଭିତରେ ମଲ୍ଲି ନଗର ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ସେଇ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ମାଳକୁ ବେକରେ ପକେଇ ପରିଧାନ କରି ଯେଉଁ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ମାଳର ବାସ୍ନା ଦେଖନ୍ତି ମାଙ୍କର ଇଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଐଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦି ତମେଦିନୀ ବିଶ୍ୱ ବିନୋଦିନୀ ବିଷ୍ଣୁତେ ମାଙ୍କର ସେ କମନୀୟ ମୁଖକୁ ଦେଖନ୍ତି ଭୟ କରିଯିବ। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଆସିକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କହିଲେ? ଭୟ କରିଯିବାନି, ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ଯଦି ମାଆ ଆସିକି ଆମ ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଚିନ୍ତା କଲୁ? ତେଣୁ ସେଇ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବଶ୍ଚଳ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି କଳେ ବର ଦଶ ମୂରତି ଧରି ଭକ୍ତ ତୁମ୍ବର କି କରିବ ଭକ୍ତ ବୋଲରେ ଥାଅ ଭକ୍ତ ପେଶିଲା ହସ୍ତିନା ଦୂତପଣରେ ଯାଅ ଭକ୍ତ ଦେଖାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ତମ୍ଭୁ ହେଲ ଉଦିତ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ପରି ଭୃତ୍ୟ ବଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ। ସାହିଜାତର ଇଏ ସାହିମାନଙ୍କର ମୁରବୀମାନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ, ବେକରେ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ମାଳ ପଡ଼ିଛି, କାନ୍ଧରେ ଆସାମ ଗାମୁଛା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଓଠରେ ହସ ଓ ପାଟିରେ ପାନ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସାହିଜାତର ଇଏ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ। ସାହିଜାତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହିଜାତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାହିଜାତର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସାହିର ଜାତ ସାହିଜାତ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ମାଳ କିଏ ପକେଇଛି?
या आखि को लाल करी अपूर्व भाव अच्छी मेढ़ नाच सहित पाद मध्य पड़ुच उठुची तेणु ये हूँ साहिजात एवं साहिजात कौन ना साहिजात हूँ कौशल प्रदर्शन गौण चरित्र मानों द्वारा ये सामाजिक कुसंस्कार एवं साहिर प्रमुख व्यक्ति मान दोष दुर्बलता को व्यंग करवा साहिजात को अधिक आकर्षण करातरे समग्र साहि दांडटी रंगभूमि पलटी जाए कारण कलाकार माने बुली बुली करी निजर ये नृत्य को परिवेशन करती नुहजे गोटे जगार रही करी नाचिदेवे सरीगला मेढ़ को ओला खोलीदे ये बुली बुली करी साही साही बुली करी ये परिवेशन करेणु कलाकार मानकर संगरे चली चली जात को उपभोग करती एवं नृत्य शिल्पी वाद्यकार को उत्साहित करती ये दांडर उभय पार्श्व एवं पिंडार उभय पार्श्वरे दर्शक माने भरपूर हो रही था कारण साही जात देखिए एवं साधारणतः तो ये गवेशक माने ये साही जात को एक लोकनाटक रूप से ग्रहण करू नाट्यानुष्ठानटीर सृष्टि ये आकस्मिक नुहे बरम तत्कालीन श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर सुरक्षा जनित ये आवश्यकता को परिपूर्ण करने निम्ते राजशक्ति द्वारा ये इच्छाकृत भाव यार सृष्टि कई कई गवेषक कहते एतद व्यतीत एतद भिन्न साहित्य परिवेशित चरित्र मान नृत्य छंदे विद्यमान शास्त्रीय ठाणी यही नृत्य शैली को अनन्य कर हाथ में धरी सप्तशिरा कारण सप्तशिरा होती सब रावण चरित्र रावणर गोष्ठी होती सप्तशिरा बाजा बाजू एवं तांकर से नाच चले थे यही नाच भितर सप्तशिरा नवशिरा हम से गोटे वीर हस दे था सप्तशिरा स्वतंत्र बाणी रही था रे रे बानर हीन मानज राक्षस वज्रबाहुक किम कर्तुत तब विललित तनु लंकेश्वर राक्षसं शक्ति वज्र प्रहार प्रसितम युद्धे निपुण बाहु गर्वित्तमिन चरवित सुरबाला सेनाधि सप्तस्वामी हा 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 भाव सप्तशिरा नवशिरा रावण ये गोटे अटाट हास गोटे हस दे था सी हसरे आग लोकर अधे रक्त सुखीज एपरी हस सी साही जात मौजर जात आखिरे हालाका हालाका निद आसिले क्लांत शरीर क्लांत हो पड़ी मन कौच ना ना मुझे देखिकी शयन करी मुझे देखिकी शो जय जगन्नाथ टीवी रे सीधा प्रसारण मध्यम आम मैंने दर्शन करुचे साही जातर ये दृश्य को जिते देखिले मन बुझुना टीवी परदार देखिकी वास्तव में प्रकृत देखार इच्छा हृदय भितर जाग्रत हो निश्चित भाव अतीत पावन बाना नील चक्र आकाश राम मान दर्शन करुचे अवलोकन करुचे ये सुंदर दृश्य आहा मनो आनंद एवं ये साहिजात साहिजात कौन ना आप देखिए सामग्रिक भाव में साहिजात बाद्य नृत्य एवं अन्यान्य विभाग को अनुशीलन कले यह संपूर्ण शास्त्रीय नृत्य बा अथवा पूर्ण रूप से लोकनृत्य नाटक मध्य नहीं बरम यह एक पारंपरिक अथवा लोकप्रिय नाट्यानुष्ठान कह अधिक समय समीचीन साहिजात उपरे गवेषणा करुवा प्रत्येक गवेषक मान जातर उत्पत्ति प्रसंग बेस गुरुत्व बहन करिथाय कौनसी लिखित दलिल नथिबारु उक्त जातर उत्पत्ति काल को विभिन्न विद्वान निज निजर दृष्टिकोण अनुसार मत व्यक्त करिथांति किंतु कौनसी लिखित दलिल नहीं जब आरंभ होइछि साहिजात स्पष्ट सठिक भाव रे के कहि पाए तेणु ये एत प्राचीन साहिजातर परंपरा एवं स्वतंत्र भाव एक पुस्तक उल्लेख अच्छी जे भोईवंशर प्रथम राजा रमई राउत राय और रामचंद्र देवंकर 1568 रु 1592 समय रे ये जागा घर सृष्टि साहिजात आरंभ होइतिबार जणा पड़े
1877 रे दिव्य सिंहदेवंकु द्वीपांतर दंड दिया जिबा परे ये साहिजातर अवनति घटिला। ये संपर्क रे मध्य विशद आलोचना न करी से संक्षेप रे एभली मंतव्य प्रदान करछ। विशिष्ट ऐतिहासिक माने मध्य विशिष्ट ऐतिहासिक आमर मनमथनाथ दास से मध्य भोईवंशर प्रथम राजा रामचंद्र देवंकर राजत्व काल रे साहिजातर उद्भव बोली मत पोषण करिछन्ति। तेणु केते कथा अच्छी साहिजात को नहीं तेणु साहिजात होची स्वतंत्र जात होची साहिजात सांग भांग संगीतर शहर पुरी कला संस्कृतिर शहर पुरी ये एक अपूर्व यात्रा साहिजातर यात्रा। साहिजातरे देखिबे ये साहिजातरे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य पुराण वर्णित एवं सर्वजन विदित ये क्षेत्र महाप्रभुंकर जुगे जुगे ये क्षेत्र रे सांस्कृतिक परंपरा जना अधिके समग्र भारत वर्ष को ये प्रेरणा सिक्त करी आसुछन्ति साहिजात। तेणु ये आपण देखिबे ये जो जागा घर मान सब रही कालिकाकोट कालिकाकोटर युवक माने कदम्बगढ़ को केन्द्र करी दक्षिण पट गुरुजरे बड़ आखड़ा ध्वजगढ़ को केन्द्र करी उत्तर पश्चिम कोण रे भगवती कोट रे युवक माने द्वारीगढ़ को केन्द्र करी और पूर्व उत्तर कोण रे मरीचिकोट एवं चंपागढ़ युवक माने मिलिकिरी मंदिर रक्षार दायित्व नहीं थे। किंतु कुतुबुद्दीन एवं सुजाखा प्रभृति आक्रमण बल रे बलवत्तर रहिबाकु खोर्धा राजवंशर प्रारंभ रे बक्सी जगबंधुंकर नेतृत्व रे ये क्षेत्र रक्षा मानंकर बलवृद्धि करा जाय सात साहिरे आखड़ा मान सृष्टि करा जायतिला। क्षेत्रर अधिवासी कहिले मुख्यतः सेतबेले केवल सेवायत संप्रदाय को ही कह जाउथला। आज किए केते लोक आसिकी रही पुरी रे किंतु पूर्वर पुरी लोक कहिले केवल सेवक मान को ही बुझाउथला। घंच जंगल अरण्य रे परिपूर्ण होकर बालुका रे परिपूर्ण होकर आउ पुरीर अधिवासी कहिले केवल सेवक संप्रदाय को ही बुझाउथला। कालिका देवी साई माटी मंडप साई कुंडाई बेंट साई बाली साई देवल मुंडी साई अर्चन साई मार्कंसो साई आदि सब सात साहिर 20 जन माने सभ्य थांती जे प्रतिनिधिमूलक संस्था गठित होता ताहा आखड़ा नाम परिचित। तेणु ये जागा आखड़ार कथा साहिजातर कथा। तेणु ये साहिजात देखिए जागा आखर मध्य जागा माने निज निज स्थान हनुमान शिव देवी आदि स्थापन करके से शक्ति संचय करेंगे से माने दंड पकेबे बैठी पकेबे सका सका व्यायाम करेंगे शारीरिक क्रिया करेंगे जद्वारा तंकर शरीर सुस्थ रहिबो मन सुस्थ रहिबो। इतिपाई ये जागा घर कौन पाई ना बाहर शत्रु आसिकिरी आक्रमण करती से आक्रमण दाऊर रक्षा करने श्रीमंदिर को ये जागा आखेड़ा इमान आविर्भाव। तेणु स्वतंत्र भाव आप देखिए कहा जाए आमर ये जागा आखेड़े स्वतंत्र भाव जात्रा काल रे भुआसिक काढ़ी शोभा बढ़ाइबे गोड़ हेले संगठित होकर मंदिर रक्षा करेंगे तीर्थ माने उझाड़ी सफा करेंगे साही मुंड गली कंदी झड़ा सफा करेंगे राजा विजय हेले हतवाड़ देकर पालिंकी विजय कराइबे कपटी छलिंकु क्षेत्र रे देखिले घाट पृष्ठ को तुरंत खबर देवे। ये थिला होची जागा आखड़ार पहलवान मानंकर इथला कर्म कार्य। तेणु अड़ंगे अड़िले वज्र करे चुना खस जे रसे रसना नरसिंह वल्लभे सिंहर प्रताप ध्वजा गड़े उड़े ना बाना सुंदर भाव ये पंचमुखी महावीर
मेढ़कु आम देखुचे एवं ये साहिजातर परंपरा क्षेत्र तथा श्रीमंदिर सुरक्षा व्यतीत साहित्य संगीत नृत्य कला तथा क्रीड़ा क्षेत्र में जगाघर ये सांगठनिक अवदान ये सांस्कृतिक विकास दिगरे ये स्मरणीय तथा वरणीय हो रही स्मरणीय वरणीय जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये महनीय महिमा बल प्रतिमास विभिन्न जत्रा पर्व पर्वाणी लगिकी रही बैशाखर चंदन जात्रा ज्येष्ठर स्नान जात्रा आषाढ़ रथजात्रा श्रावण रे झूलन जात्रा भाद्रवर श्रीकृष्ण जन्मलीला अश्विन रे देवी जात्रा कार्तिक रे रासलीला मार्गशीर रे लक्ष्मी पूजा ये पौषरे अभिषेक माघरे बसंत पंचमी फाल्गुन रे दोल जात्रा एवं चैत्र रे साही जात्रा साही जात्रा हूँ प्रधान साहीर मुरबी मान रही ये जागा घर गुड़िकर महाप्रभुंकर ये जात्रा एवं तापमात्रा गुड़ी सुसंगठित करिबा दिगरे मध्य साहाज्य करिथाय किंतु राम नवमी परठारु रामाभिषेक पर्यंत विभिन्न साहीर आखेड़ा पक्षरु ये साही यात्रा संगठित होइथाय कालिका देवी साहीरु राम लक्ष्मण लीला बासिली साहीरु सुर्पनखा हर्चन साहीरु परशुराम कुंडामंड साहीरु मायामृग दोलमंडप साहीरु लंकापड़ी हनुमान और शेषे बाली साहीरु वर्तमान रावण प्रस्ताव मानभियान करा जाए यही दिन मानक संपृक्त साही आखड़ा मानक तत्वावधान रे जागा घर युवक माने सुसज्जित वेश पोषाक ये वीरवाद्यर ताले ताले चमत्कार शरीर कौशल बांक छड़ी निजाम पझा बांक छड़ी निजाम पटा ये बाना पटा हुड़ा बनाटी चक्र बनाटी मल कुस्ती फरी इत्यादि मेढ़ दुर्गा काली सप्तशिरा त्रिशिरा गणेश इत्यादि नागा ढाल सुपारी तंत्रकीड़ा बुढ़ाबुढ़ी पालावाला केला केलुणी सठेरा आदि सब विभिन्न नृत्य संगीत एवं क्रीड़ा मध्यम निजर प्रतिभा प्रदर्शन करी ये साहिजात साहिजात को जीवंत करी तोलंती हजार हजार नर नारी राति सारा उजागर रही ये वर्णाढ्य महोत्सव को उपभोग करती आनंदर पर्व साहिजातर पर्व सुंदर भाव आम दर्शन करते देखुचे साहिजात दिव्य साहिजात घंट बाजुच घंटा ध्वनि प्रकंपित तो होतरे साहिजात साहिजात को आम देखुचे जो साहिजात श्रीमंदिर सहित मध्य संपर्क रही जो साहिजात दृश्य को देखापी अवलोकन करने सुंदर भाव देखु किप भाव धरी दौ भगवती मेढ़ सी बंधे भाव सुरक्षा प्रदान करने कारण मेढ़र आकार आकृति विशाल होता है से निम्ते से मेढ़ को काले कौटी मेढ़र धार जदि टे बाजी जाए सी नष्ट कारण सूक्ष्माति सूक्ष्म मेढ़ कारण ये सोल जम्बुरारी प्रस्तुत हो था सुंदर भाव चक्रराज दर्शन करुचे एवं साई जातर दृश्य को मध्य देखुले अवलोकन करुले आम माने एठी समय जेहेतु आसी उपस्थित निश्चित भाव शयन करिबा एवं कार्यसूची श्रवण करिबा आम जय जगन्नाथ टीवी कार्यसूची संपर्क जानिबा किंचन बाण को विराम दउची जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।